आपको पता है आज की डेट में इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, यानी दुनिया में डायबिटीज के सबसे ज्यादा मरीज हिंदुस्तान में है। ICMR की स्टडी के मुताबिक पिछले 4 सालों में देश के अंदर डायबिटीज पेशेंट्स की संख्या 44% तक बढ़ी है। और यही नहीं, डायबिटीज और प्री डायबिटीज यानी डायबिटीज से पहले वाली जो स्टेज है वो, इन दोनों के मरीज इस वक्त देश में तकरीबन 23 करोड़ से ज्यादा हैं। अब खुद सोच लीजिए डायबिटीज किस रेट से इस देश में बढ़ रहा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ ऐसी गलतियों की जिनकी वजह से डायबिटीज का खतरा बढ़ता है, क्योंकि याद रहे डायबिटीज एक लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारी है। साथ ही जानेंगे इससे बचने के तरीके। जो प्री डायबिटिक पेशेंट है, अगर ये अपने खाने पीने में ध्यान दें और अगर अपना वेट कंट्रोल करें तो उससे ये अपना प्री डायबिटीज से डायबिटीज में कन्वर्ट होने के चांसेस अराउंड 60% कम कर सकते हैं। तो वही सब बदलाव मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने दिनचर्या में, अपने खाने पीने में लाएं, ताकि हमारे चांसेस भी डायबिटीज होने के फ्यूचर में कम रहें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बदलाव है डायबिटीज में, वो है कि हमें अपना कैलोरिक इनटेक कम कर लेना चाहिए। अब कैलोरिक इनटेक से मतलब है कि खाने पीने में जो भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ओवरऑल जो न्यूट्रिशन है वो तो पूरा रहे लेकिन उसका कैलोरी कंटेंट कम रहे। समझाने के लिए आप इस तरह समझ लीजिए कि जैसे एक जंक फूड का कॉन्सेप्ट होता है। जंक फूड का मतलब होता है कि ऐसा खाना जिसमें कैलोरीज ज़्यादा है, जिसमें ताकत ज़्यादा है लेकिन न्यूट्रिशन कम है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे कि बर्गर, पिज्ज़ा, जो बहुत लोडेड हैं घी से, तेल से, ये सब चीज़ें जंक फूड में आती हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने खाने पीने में जंक फूड को अवॉइड करें। इसके साथ में फ्राइड खाना, जैसे पूरी, इस तरह का खाना, समोसे, पकोड़े, इस तरह का खाना भी हमें अवॉइड करना चाहिए, खास तौर पे जब ये बाहर कहीं कुक हुआ हुआ है, क्योंकि अगर बाहर चीज़ें तली गई हैं तो वहाँ पे वही तेल बार बार इस्तेमाल होता है, इस तरह का तेल और भी ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसके साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम कोई भी इंसान खाने में बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इंटरवल ना रखे। कई बार क्या होता है कि हम एक टाइम का खाना मिस कर देते हैं लेकिन उसके बाद में कॉम्पनसेटरी ईटिंग होती है, हम बाद में ज़्यादा खाना खाते हैं, बीच के टाइम में स्नैक्स खाते हैं जिसमें आमतौर पर अनहेल्दी स्नैक्स जैसे नमकीन, भुजिया, इस तरह की चीज़ें खाते हैं, ये भी हमारा वेट बढ़ाते हैं, ये हमारे डायबिटीज़ का खतरा बढ़ाते हैं। खाने पीने में ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या जिनको शुगर फ्री बोलते हैं, इन सब से भी बचें। हम सब जानते हैं कि कुछ समय पहले WHO ने भी रिकमेंडेशन दी है कि आर्टिफिशियल स्वीटनर से भविष्य में डायबिटीज़ होने का, मोटापा होने का, हार्ट प्रॉब्लम होने का खतरा बढ़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये शुगर फ्री वाली चीज़ें, जैसे कि आजकल हम देखते हैं इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक्स आती हैं, मिल्क शेक्स आते हैं, आइसक्रीम्स आती हैं, ये सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, क्योंकि इन सब चीज़ों में कैलोरीज ज़्यादा रहती हैं, इन सब को लेने से हमारा वेट बढ़ता है, हमारे डायबिटीज़ होने के भी चांसेस बढ़ते हैं। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुछ लोग जो कि लेट सोते हैं और लेट उठते हैं, उससे भी डायबिटीज़ का खतरा बढ़ता है, क्योंकि रात का समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, उस समय हमारे हॉर्मोन्स रेगुलेट होते हैं, तो अगर हम लेट सोएंगे तो हमारे हॉर्मोनल इम्बैलेंस होने का चांसेस ज़्यादा है। इसके साथ साथ अगर हम लेट सोते हैं तो चांसेस ये हैं कि हम रात को सोने से पहले हमें भूख लगेगी, हम कुछ अनहेल्दी खाएंगे, उससे भी हमारा वेट बढ़ता है और डायबिटीज़ का खतरा हमारा समय के साथ साथ बढ़ता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट नहीं खाने चाहिए या कार्बोहाइड्रेट खाने से डायबिटीज़ होता है। दोस्तों, ये मिथ है, ऐसा नहीं है, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि हम कार्बोहाइड्रेट उस प्रकार से सेवन करें जिसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हो। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे कि अगर आप चावल खाते हैं तो पॉलिश चावल ना हो बल्कि वो ब्राउन राइस हो, अगर आप गेहूँ खाते हैं तो दरदरा पिसा हुआ हो, बहुत पॉलिश टाइप का गेहूँ ना हो, ठीक है। आप खाना खा सकते हैं लेकिन बहुत रिफाइंड चीज़ें ना, सूजी, मैदा, इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये इंपॉर्टेंट लेसन है हमारे लिए। एक और कॉन्सेप्ट जो आजकल बहुत प्रचलित है वो है चीट डेज का। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट रहता है कि 5-6 दिन आप अच्छे से परहेज से रहिए और 7वें दिन आप चीट डे में कुछ भी खा लीजिए। ये अच्छी आदत नहीं है, क्योंकि अब आप चीट डे फॉलो करते हैं, उस दिन आप कुछ भी खाते हैं तो उसमें भी कैलोरी बहुत ज़्यादा रहती है, अनहेल्दी खाना हम खाते हैं वो भी हमें नुकसान करता है। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट, इस तरह की आदत से अगर हम बचेंगे तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, हमारा वेट कंट्रोल में रहेगा, हमारी दिनचर्या अच्छी रहेगी, और जैसा हमने स्टडीज़ में देखा है डायबिटीज़ होने के चांसेस फ्रॉम प्री डायबिटीज़ वो अराउंड 60% के आसपास कम रहेंगे। हम अच्छा जीवन शैली अपना के डायबिटीज़ से बच सकते हैं। अब क्योंकि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल संबंधित बीमारी है, यानी दिनचर्या में छोटे मोटे बदलाव करने से आप इसका खतरा काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने जो टिप्स बताई हैं उन्हें फॉलो करिएगा।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए कैसे पता चलेगा आप प्री डायबिटिक हैं। अब देखिए, कुछ देर पहले हमने बात की थी प्री डायबिटीज की, यानी डायबिटीज से ठीक पहले की स्टेज। अब अगर इस वक्त इंसान को एहसास हो जाए कि वो प्री डायबिटिक है, तो लाइफस्टाइल में कुछ बहुत ही मामूली से बदलाव करके वो होने वाले डायबिटीज के खतरे से बच सकता है। पर इसके लिए ज़रूरी है ये पता होना कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं। अब ये पता कैसे चलेगा, ये बताया डॉक्टर सतीश कौल ने। देखिए, 8 से 14 घंटे की फास्टिंग के बाद किसी भी लैब में ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं और ये खून नसों से लिया जाता है। अगर खाली पेट टेस्ट करवाया है और उसमें शुगर 101 से 125 के बीच आई है, तो उसे प्री डायबिटीज कहते हैं। खाना खाने के 2 घंटे बाद सैंपल दोबारा दीजिए, इसमें शुगर 140 से 200 के बीच है, तो फिर उसे प्री डायबिटीज कहते हैं। अब जिन लोगों की शुगर फास्टिंग में यानी भूखे पेट रहने पर भी 126 से ज़्यादा आती है, उनको डायबिटिक कहते हैं। और खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आप शुगर चेक करते हैं और वो 200 से ज़्यादा है, तो उसे डायबिटीज कहते हैं। HbA1c टेस्ट यानी 3 महीने के शुगर टेस्ट में अगर शुगर आपकी 6.5 से ऊपर है, तो इसका मतलब डायबिटीज है। 5.7 या उससे नीचे है तो डायबिटीज नहीं है। 5.8 से 6.4 है तो प्री डायबिटीज है। इसलिए आप शुगर टेस्ट जरूर करवाते रहें, समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए बॉडी में खून का बहाव ठीक रखने के लिए क्या खाएं। शरीर में खराब ब्लड सर्कुलेशन होना एक बहुत ही आम समस्या है और इसकी कई वजहें भी हो सकती हैं, जैसे फिजिकली एक्टिव ना रहना, कुछ बीमारियां। लेकिन आप अपनी डाइट में छोटे छोटे चेंजेस से शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बना सकते हैं। डाइटिशियन लवनीत बत्रा ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ब्लड सर्कुलेशन तंदुरुस्त करने वाली चीज़ों के बारे में बात की है। अब लवनीत बताती हैं कि अनार में भरपूर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में मदद करते हैं। चुकंदर में नाइट्रेट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। ये नाइट्रेट शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है जो नसों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। इसी तरह पालक और केल जैसी हरी पत्तेदार सब्जियों में भी नाइट्रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने वाली चीज़ों में लहसुन भी शामिल है। लहसुन में सल्फर मौजूद होता है जो नसों को रिलैक्स करके खून के बहाव को बढ़ाता है। साथ ही लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स दिल के लिए भी अच्छे होते हैं। अगला नंबर है दालचीनी का। दालचीनी नसों को डैमेज होने से बचाती है और खून में ऑक्सीजन की मात्रा को बैलेंस करती है। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। एक ज़रूरी सूचना, अब आपको बता दें, ललन टॉप प्रीमियम यानी ललन टॉप का मेंबरशिप प्रोग्राम आ गया है नए फायदों के साथ। इस प्रोग्राम में है नए शोज। LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले ही देख सकेंगे गेस्ट इन द न्यूज़ रूम, बैठकी और किताब वाला जैसे शोज। ललन टॉप के एंकर्स हर हफ्ते करेंगे आपसे #AMA माने आस्क मी एनीथिंग, आपसे करेंगे लाइव चैट और देंगे सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है, अर्ली एक्सेस व्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक उठापटक। मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट्स और कमेंट्स में भी कर पाएंगे। अब इस मजे के लिए आपको क्या करना होगा, बस जाना होगा ललन टॉप यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन दबाना होगा। सिर्फ 59 रुपए में मिलेगा आपको महीने भर का ललन टॉप मजा। सूचना समाप्त, शुक्रिया।